स्वी एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन की बात करें इनके चीफ जो है इनका नाम है जेनी पेरी लैक कॉरेक्स ये क्या रहे हैं इंडिया आएंगे अमंग द लार्जेस्ट ट्रूप कंटिन्यूटी कंट्री वॉट इज ऑपरेशन तो इंडिया बहुत सारे ट्रूप्स देता है पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए यूनाइटेड नेशन पीस की जो पीस पीस कीपर्स होते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं पोलिटिकल एंड पीस विल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू हेल्प द कंट्रीज इन मेक दियर डिफिकल्ट एंड अर्ली ट्रांसेशन फ्राम कॉन्फ्लिक टू पीस दूसरा काम होता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेनटेन करना सो पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी जाती है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी पार्टीज का कंसेंट होगा तभी भेज जाएगी उस कंट्री में पार्शियलिटी होती है और ये फोर्स का यूज़ नहीं करते सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट बाकी नहीं यूज़ करते हैं फोर्स को और सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल होता है यूनाइटेड नेशन चार्टर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्पॉसिबिलिटी देता है कि वो इंटरनेशनल पीस मेंटेन करे तो फाइनेंसिंग क्या होती है जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो शेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ द पीस कीपिंग एंड जो जनरल असेंबली होती है वो एक्सपेंसिस देखती है विद स्पेशल स्केल असेसमेंट टेकिंग इन अकाउंट होता है रिलेटिव इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ द मेबर स्टेट्स विद परमानेंट मेबर को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं दे रिक्वायर टू पे द लार्ज शेयर फॉर एट सर्विस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है एंड इनको ब्लू हेलमेट्स या ब्लू ब्लू बैरट्स भी बोलते हैं बिलू बलू बैरट्स या ब्लू हेलमेट्स क्योंकि ब्लू हेलमट्स पहनते हैं सो इस तरीके से ब्लू हेलमेट पहनते हैं इसलिए इनको बोलते हैं ब्लू हेलमेट या बिलू बैरट्स